आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम एमपीएलआरसी को डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिए एमपीएलआरसी की तरफ। आज हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे एमपीएलआरसी में, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं। चैप्टर 5 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और चैप्टर 5 के साथ में जो सेक्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 44 से लेकर के 56 तक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 5 में जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आप पढ़ेंगे अपील्स, रिवीजन एंड रिव्यू। सेक्शन 44 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो अपील तथा अपीलीय अधिकारी के बारे में बात की गई, यानी कि अपील एंड अपीलेट अथॉरिटी, और 45 ये रिपील्ड हो गया है। 46 पर एक नज़र डालिए, कतिपय आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। कौन कौन से आदेश हैं जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है? नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर्स। सेक्शन 47 पर नज़र डालिए, अपीलों को परिसीमा, लिमिटेशन ऑफ अपील्स। सेक्शन 48 में नज़र डालते हैं, याचिका अर्जी के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके की संबंध में आपत्ति की गई है। कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्शन टू अकम्पनी पिटीशन, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे सिविल कोर्ट में कोई केस रजिस्टर्ड किया जाता है, तो जिस व्यक्ति को समन भेजा जाएगा उसके साथ उस बात पत्र की कॉपी भी भेजी जाती है। सेक्शन 49 पर एक नज़र डालिए, अपील प्राधिकारी की शक्ति, पावर टू अपीलेट अथॉरिटी। 50 में पुनरीक्षण की बात की गई है, यानी कि रिवीजन। सेक्शन 51 पर एक नज़र डालिए, आदेशों का पुनरावलोकन, यानी रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स। 52 पर आदेशों के निष्पादन का रोका जाना, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। सेक्शन 53 पर लिमिटेशन एक्ट का लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 54 पुनरीक्षण का लंबित रहना, पेंडिंग रिविजन्स। सेक्शन 54 ए इसको रिपील्ड कर दिया गया है, 55 को भी रिपील्ड कर दिया गया है। सीधे बात करते हैं सेक्शन 56 की, आदेशों का अर्थान्वयन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर। तो चलिए इनको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो जनरली जहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, एक तो सेक्शन 44 डायरेक्ट सीधा सीधा, दूसरा इसमें से जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 47, इनमें से सिविल जज और जहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें भी ये सब्जेक्ट होगा वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ज़रा ध्यान दीजिए, अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति 49 पर थोड़ा सा रखना है आपको, और सेक्शन जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं सेक्शन 50 और 51, ये इम्पोर्टेंट है, इन पे आप टिक कर लीजिए, क्योंकि जनरली इनमें से सीधा पूछा जाता है कि प्रोविजंस कहाँ दिए हैं डायरेक्ट। चलो बाकी के और हम डिटेल में इनको पढ़ते हैं। ये वेरेक्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 5 आप डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 44 पर नजर डालिए, अपील तथा अपील प्राधिकारी कौन कौन से होंगे, सब क्लोज फर्स्ट पर नज़र डालते हैं। उस स्थिति को छोड़कर जहां अन्यथा उपबंधित किया गया है, इस संहिता या इसके उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी के पारित प्रत्येक मूल आदेश की अपील कहां हो सकती है, देखिए नंबर का पहले इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। सब क्लोज फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, उस स्थिति को छोड़कर जहाँ अन्यथा उपबंधित किया गया हो, इसके अलावा अगर कहीं और प्रोविजंस किए गए हैं तो फिर उसके अधीन होंगे, अदरवाइज कैसे होगा। इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिए जो सक्षम राजस्व अधिकारी के पारित प्रत्येक मूल आदेश की अपील, जो मूल आदेश है जो पहली बार आदेश दिया गया उसको मूल आदेश कहा जाता है, उसकी अपील कहाँ होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले का नंबर पर, यदि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी के
अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है, तो जो उपखंड अधिकारी को होगी, किसको होगी? उपखंड अधिकारी को। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। किस किस को अपील होगी? कहा गया कि जो उपखंड अधिकारी हैं और उनके अधीनस्थ जो भी उनके सबॉर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और उनमें से किसी भी राजस्व अधिकारी ने अगर पारित किया है, तो यहाँ पर ये अपील किसको जाएगी? उपखंड अधिकारी को की जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इफ सच ऑर्डर इज पास बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू द सब डिविजनल ऑफिसर। इसकी जो सब डिविजनल ऑफिसर जो लिखा हुआ है, इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख दिया जाता है, SDO। तो इसका मतलब भी यही है, और हिंदी में आप उपखंड अधिकारी समझ रहे, ये दोनों एक ही है, बस नाम केवल ऐसे चेंज हो जाते हैं। तो किसको होगी? ये सब डिविजनल ऑफिसर को। आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खा पर। यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने पारित किया है, तो उप सर्वेक्षण अधिकारी को होगी। किसको होगी? उप सर्वेक्षण अधिकारी को। और किसने किया हुआ, देखिए जल्दी से एक बार। ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी के अगर अधीनस्थ किया हुआ है, तो यहाँ देखिए बी में, इफ सच ऑर्डर इज पास बाय रेवेन्यू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू डिप्टी सर्वे ऑफिसर, तो किसको अपील जाएगी? डिप्टी सर्वे ऑफिसर को। बस इसके लिए आप चार्ट ऐसा बना सकते हैं, उपखंड अधिकारी ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, उपखंड अधिकारी उसके आगे ऐसे बना लीजिए, शॉर्ट में यहीं पे SDO लिख लीजिएगा। तो यहाँ अपील जाएगी कि इनके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, वो उनके जिसके अधीनस्थ हैं उसी को अपील जाएगी। अगला जरा ध्यान दीजिए, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं जल्दी से बताइए, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 44। और सब क्लोज आपने ए में क्या पढ़ा? उपखंड अधिकारी को अपील के संबंध में, तो उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ SDO को होगी जी। और खा में आपने क्या पढ़ा है? कि उप सर्वेक्षण अधिकारी को होगी, अगर इनके अंडर में जितने भी राजस्व अधिकारी हैं वो कोई भी ऑर्डर पास करते हैं, तो उनके जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी सर्वे ऑफिसर। अगला जरा ध्यान दीजिए, गांव में, या इसको सी भी बोल सकते हैं आप, गांव में यहाँ पर बात की गई है, यदि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी द्वारा पारित किया गया। अब जहाँ पर SDO ने ही कोई आदेश पारित किया है, तो उसकी अपील कहाँ होगी? तो देखिए उसकी अपील की बात की गई, उनकी अपील होगी कलेक्टर को। तो सी में जा देखिए, इफ सच ऑर्डर इज पास बाय सब डिविजनल ऑफिसर टू द कलेक्टर, तो किसको की जाएगी? अगर सब डिविजनल ऑफिसर ने कोई आदेश पारित किया है, तो इसकी अपील कलेक्टर को होगी। चलिए गांव में जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ा सेक्शन 44। ऐसा आदेश, यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, तो सर्वेक्षण अधिकारी को, जिला सर्वेक्षण अधिकारी को होगी। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी को होगी। इफ सच ऑर्डर इज पास बाय द डिप्टी सर्वे ऑफिसर टू द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, अगर डिप्टी सर्वे ऑफिसर ने किया हुआ है कोई आदेश पारित, तो इसकी अपील डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को की जाएगी। यहाँ में जरा ध्यान दीजिए, यदि ऐसा आदेश किसी सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित किया गया, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि यदि ऐसा आदेश किसी सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है, जिसे संहिता की धारा 24 के अधीन शक्तियां प्रदान की गई, तो कहाँ जाए, किसको अपील होगी? इनकी अपील कलेक्टर को होगी। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इफ सच ऑर्डर इज पास बाय एनी असिस्टेंट कलेक्टर, और किसी असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा पारित किया गया है, या फिर ज्वाइंट कलेक्टर के द्वारा पारित किया गया है, और डिप्टी कलेक्टर के द्वारा, टू whom द पावर हैव बीन कन्फर अंडर सेक्शन 24, तो किसको जाएगी? टू द कलेक्टर। हमें जरा ध्यान दीजिए, यदि ऐसा आदेश किसी ऐसे राजस्व अधिकारी ने पारित किया है, जिसके संबंध में धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन निर्देश दिया गया हो,
तो ऐसे राजस्व अधिकारी को होगी जिसके बारे में राज्य सरकार निर्देश दे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ये धारा 12 में जो प्रोविजंस किए गए थे, धारा 12 का सब क्लोज 3 के अकॉर्डिंग, तो उसमें जैसा राज्य, अगर ऐसा कोई भी राजस्व अधिकारी है तो इसके अनुसार यहाँ पर ये राज्य सरकार जैसा निर्देश दे उसके अनुसार यहाँ पर अपील की जाएगी। तो ये चार्ट आप बना लीजिएगा, और इसमें क्या है, चार्ट जब आप बनाएंगे तो दो फायदे हो जाएंगे अपने। एक तो टाइम पीरियड, किसको कितने कितने समय में अपील होगी उसी चार्ट में हो जाएगा, तो ये सभी सेक्शन आपके एक चार्ट से कवर हो जाएंगे। हाँ, पर इसको बनाना होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए, बताता हूँ कैसे कैसे आपको बनाना है। इफ सच ऑर्डर इज पास बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर इन रेस्पेक्ट टू होम आर डिस्ट्रिक्ट सॉरी डायरेक्शन हैज बीन इश्यू अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 टू सच रेवेन्यू ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, जैसा स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे उसके अनुसार यहाँ पर अपील की जाएगी। छह पर जरा ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा आदेश कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी ने पारित किया है तो किसको होगी, देखो जल्दी से, यहाँ पर आयुक्त को होगी। सच ऑर्डर इज पास बाय अ कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, तो यहाँ पर किसको की जाएगी, टू कमिश्नर। जामा जरा ध्यान दीजिए, यदि ऐसा आदेश आयुक्त तो ने पारित किया है तो यहाँ पर मंडल को होगी। एच में जरा ध्यान दीजिए, इफ सच ऑर्डर इज पास बाय द कमिश्नर टू द बोर्ड, तो बोर्ड का मतलब यहाँ पर मंडल से लिया जाता है। अब यहाँ पर जो सब क्लोज 2 है इस पर थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। देखो चार्ट बनाने के लिए क्या है, आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, सेक्शन आप 44 ऊपर डाल दीजिएगा, और इसके बाद यहाँ लिखिएगा उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारियों की अपील, साइड में साइड लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर सेक्शन आपने ऊपर लिख लिया, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे आप यहाँ पर भी लिख लीजिए सेक्शन 44, और यहाँ अपील्स की बात करिए, अपील हेडिंग डाल दीजिए। इसके बाद नंबर यहाँ पे चाहो तो का लिख सकते हो ऐसे, और यहाँ पर शॉर्ट में लिख लीजिए उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ, और सीधे सामने एरो लगा करके लिख दीजिएगा यहाँ पर उपखंड अधिकारी को या एसटीओ को। और वैसे ये चार्ट बना जाए, थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़िए, जैसे इसमें ये गैप है ना इतना, थोड़ा सा ये गैप है ना इतना गैप छोड़ दीजिए। इसमें क्या है, अभी हम लोग जो आगे सेक्शन 47 पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ना यहाँ अपडेट करनी पड़ेंगी, तो ये पूरा एक ही चैप्टर एक ही चार्टर में एक पेज में कवर हो जाएगा आसानी से, और सिंपली आपको याद भी हो जाएगा। चलिए जरा सब क्लोज नंबर 2 पर एक नज़र डालते हैं। अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रथम अपील में, देखिए क्या होगा, का उपखंड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त को होगी। तो ये तो आपने फर्स्ट अपील से रिलेटेड बना लिया, वैसे ही फिर सेकेंड अपील से रिलेटेड आपको बनाना कि सेकेंड अपील किसको होगी। या एक काम और कर सकते हैं, जो पेज है आपका वो सीधा ना रख करके इसको ऐसे में रख लीजिए साइज में, ये तो यहाँ पर ऐसे हेडिंग बनाएंगे आप, मूल आदेश की अपील, ठीक है, तो ऐसे बना लीजिए किस किस को होगी, और फिर उसी के आगे डैश करके आगे यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट अपील किसको होगी, फिर चाहो तो सेकंड अपील का बना लीजिए यहाँ पर किसको होगी, सेकंड अपील किसको जाएगी। तो यहाँ से मूल आदेश, फिर ये ऐसे भी आप बना सकते हैं, या फिर आप वैसे चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, फर्स्ट अपील के पहले बना लीजिए, फिर सेकंड अपील के बना लीजिए, फिर थर्ड अपील के कर लीजिए। चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे देखते हैं इसमें कैसे करना है। आगे देखिए, उपखंड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी या फिर कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा कोई भी आदेश पारित किए गए हैं उसकी द्वितीय अपील कहाँ होगी, तो द्वितीय अपील की बात की गई कि यहाँ द्वितीय अपील जो होगी वो आयुक्त को होगी, किसको, आयुक्त को। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बाय द सब डिविजनल ऑफिसर और द डिप्टी सर्वे ऑफिसर और द कलेक्टर और द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, किसको होगी, टू द कमिश्नर। खा में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेक्शन का आपको विशेष ध्यान रखना है,
ये सब क्लोज आप टू पढ़ रहे हैं, और सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 44 सब क्लोज टू का ए, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेक्शन 44 सब क्लोज टू का ख। अब यहाँ देखिए जरा, आयुक्त द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील मंडल को होगी। अगर आयुक्त ने कोई आदेश दिया है तो इसकी अपील किसको जाएगी, मंडल को। कौन सी अपील होगी, सेकंड अपील। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाय द कमिश्नर टू द बोर्ड, अगर आयुक्त ने कोई भी यानी कि कमिश्नर ने कोई आदेश पारित किया है तो द्वितीय अपील किसको जाएगी, बोर्ड को जाएगी। अब यहाँ देखिए तीसरा में द्वितीय अपील कहाँ कहाँ पर है, यदि मूल आदेश को प्रथम अपील में खर्च के मामले में के अतिरिक्त अन्य मामले में फेरफारित किया गया हो या उलट दिया गया हो, किसको, यदि मूल आदेश को प्रथम अपील में, जब प्रथम अपील की गई है और फिर उस आदेश को उलट दिया गया हो या उसमें कुछ भी बदलाव किए गए हों, तो या फिर, और आगे देखिए जरा ध्यान दीजिए, हमें देखिए जरा ध्यान दीजिए, निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर होगी ना कि किसी अन्य आधार पर, तो कौन कौन से आधार हैं, यहाँ देखिए जरा ध्यान दीजिए, यह कि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है, ऐसा कोई आदेश किया गया है जो या तो विधि के अगेंस्ट में है या विधि का प्रभाव रखने वाले किसी प्रथा के अगेंस्ट में है, तो, और सेकेंड नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, यह कि आदेश द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवादक का अवधारण नहीं हो सका हो, और तीसरा यहाँ पर बात करें कि यह कि इस संहिता द्वारा यथाभेद प्रक्रिया से ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुण के आधार पर, मेरिट्स और डीमेरिट्स के आधार पर मामले के निश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हुई हो, तो अब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पुनरावलोकन में किसी आदेश में फेरफार करते हुए या उलटते हुए पारित किया गया कोई आदेश उसी रीति में अपीलनीय होगा जिस रीति में मूल आदेश की अपील होती है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए इनमें से कुछ भी जो बात करें कि कोई भी अपील अगर होगी तो कैसे होगी द्वितीय अपील के लिए, तो आप यहाँ पर पढ़ना है सेक्शन 44 सब क्लोज 3 में काम है, आपने देखा कि यदि मूल आदेश को प्रथम अपील में खर्च के मामले के अतिरिक्त अन्य मामले में कोई फेरफार कार्य किया गया हो या उलट दिया गया हो, तो और या फिर ये जो खाम में जितनी भी टर्म्स कंडीशन दी गई हैं इनमें से कोई भी हो, तो यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा कि आदेश की अपील ऐसे होगी जैसे कि मूल आदेश की अपील होती है, वैसे ही यहाँ पर सेकंड अपील की भी बात की गई। इतना क्लियर हुआ क्या, जल्दी से बताइए थोड़ा सा। यस सर। और लोगों की आवाज नहीं आ रही, प्रेजेंट भी है कि नहीं, चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 46 पर एक नजर डालिए, सर आ रही है। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 46 पर छोटा सा नजर डालिए फिर से। देखो यहाँ पर हम लोग जो सेक्शन 46 पढ़ रहे थे, सेक्शन 46 का यहाँ पर जो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले बात की गई कि कतिपय आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, ऐसे कौन से आदेश होंगे जिनकी अपील नहीं होगी, तो सेक्शन 46 में जरा ध्यान दीजिएगा, नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर्स नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 44, कहा गया कि धारा 44 में अंतर्विस्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी ऐसे आदेश की, नंबर एक, जिसके द्वारा किसी आवेदन को परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में निर्दिष्ट आधारों पर विलंब के विचारण के लिए मंजूर या नामंजूर किया गया,
अगर देखिए जहाँ पर लेट होगा, जो लिमिटेशन है कि भाई किसी आदेश की अपील कितने समय में होनी चाहिए, अगर वो समय में नहीं हो पाती है और उसके अकॉर्डिंग अगर वो से लेट हो गए और उस आधार पर मंजूर या नामंजूर किया गया है, तो ऐसे आदेशों की कोई अपील नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए कहा गया सीधा सीधा सा, नो अपील सेल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर नंबर वन अलाउंग और रिजेक्शन एन एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। तो 1963 का जो सेक्शन 5 है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को मंजूर या नामंजूर किया गया तो उसकी कोई भी अपील नहीं की जाएगी। सेकेंड नंबर पॉइंट पर जरा नज़र डालिए, पुनरावलोकन के लिए किए गए किसी आवेदन को नामंजूर किया गया, अगर रिजेक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, रिव्यू के लिए आवेदन किया गया और उसे नामंजूर कर दिया गया, तो इसकी भी कोई अपील नहीं होगी। थ्री नंबर पॉइंट पर जरा नज़र डालिए, आवेदन को जो रोक यानी कि स्टे के लिए मंजूर या नामंजूर किया गया, किसी ने स्टे के लिए आवेदन किया है और उसको भी अगर नामंजूर कर दिया गया तो इसकी भी कोई अपील नहीं होगी। थर्ड नंबर पॉइंट पर देखना है अलाउंग ऑन रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर स्टे। नेक्स्ट देखिए जरा फोर नंबर पर, जो अंतरिम रूप का है यानी कि ऑफ एन इंटरिम नेचर, और फाइव नंबर पर जरा नज़र डालिए, जो धारा 29, 30, 104, 106, 114 ए, 127, 146, 147, 150, 152, 161, 207, 208, 210, 212 एंड 213, 215 एंड 220 तथा 243 के उपबंधों के अधीन पारित किया गया है, तो इनकी भी कोई अपील नहीं होगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ। चलिए देखिए ये फाइव पॉइंट्स यहाँ पर दिएगा सेक्शन 46 में। अब यहाँ पे आगे जरा ध्यान दीजिए, इसमें खा नंबर में जो धारा 131 की उपधारा एक और धारा 134 और 173, 234 तथा 239, 240, 241, 242 और 244, 248 के उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी। तो इनमें देखिए ये जो सेक्शंस दिए गए हैं, बस इनको एक बार नोट कर लीजिए किन किन की द्वितीय अपील भी नहीं होगी। ये चलो सेकंड, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 47 पर एक नज़र डालिए, अपीलों की परिसीमा। जैसे कि देखिए अब हम चार्ट की बात कर रहे थे, तो इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है, इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितना कितना उसमें मेंशन किया जाए, तो इसके अकॉर्डिंग उसी चार्ट में आपको बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हम लोग थोड़े से अमेंडमेंट पर वो डाल लेते हैं कि कौन कौन से इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। सेक्शन 47 देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये अमेंडमेंट किया गया है मूल अधिनियम की धारा 47 पर के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अपीलों की परिसीमा। तो यहाँ कहा गया देखिए प्रथम तथा द्वितीय अपील, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, छोटा दिख रहा होगा ना, एक मिनट रुकिए तो मैं थोड़ा सा अभी ठीक है। तथा द्वितीय अपील फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है की तारीख से 45 दिन की होगी, कितने टाइम पीरियड की होगी, 45 days। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु जहाँ कोई आदेश जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, वहाँ अपील करने की परिसीमा की अवधि उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व संहिता में उपबंधित किए गए अनुसार होगी। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जरा ध्यान देने के बाद कह रहे हैं कि परंतु वैसे तो कितनी होगी, 45 days। कहा कि प्रथम या द्वितीय अपील फाइल करने के लिए जो परिसीमा अवधि या लिमिटेशन अवधि है, आदेश जिसके विरुद्ध कोई भी अपील की गई है तारीख से 45 दिन के अंदर होगी, तो ये टाइम पीरियड एक फिक्स कर दिया गया। अब देखिए जरा पहले क्या था इसमें, जैसे 30 दिन, फिर 45 दिन, फिर 60 दिन, फिर 90 दिन,
ये जो स्लैब था पहले इस टाइप का स्लैब चलता था। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या करें कि परंतु जहाँ कोई आदेश जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही, कोई भी आदेश है, और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, मतलब 2018 का जो संशोधन अधिनियम था उससे पहले किया गया था, तो अपील कैसे होगी यहाँ पर? तो कहा गया कि वहाँ अपील करने की परिसीमा की जो अवधि है उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व संहिता में उपबंधित किए गए अनुसार होगी। मतलब जो ये स्लेब था इसके अनुसार होगी। कब? जब ये 2018 का जो अधिनियम था उससे जो लागू नहीं हुआ उससे पहले की अगर बात करते हैं तो। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, परंतु यह और कि जहाँ किसी ऐसे पक्षकार को जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके की विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है उस तारीख की जिसको की आदेश पारित किया गया था कोई पूर्व सूचना ना रही हो, वहाँ परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूचना किए जाने की तारीख से की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि परंतु परंतु यह कि जहाँ किसी ऐसे पक्षकार को जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया, देखिए वो उस पक्षकार से अलग हो जिसके अगेंस्ट में एक पक्षीय कार्रवाई की गई है, उसके अलावा भी अगर कोई पक्षकार हो, तो कहा गया कि उस तारीख की जिसको कि आदेश पारित किया गया था कोई पूर्व सूचना ना रही हो, पहले कोई इन्फॉर्मेशन अगर ना रही हो, तो वहाँ परिसीमा की जो संगणना है, लिमिटेशन की जो गणना की जाएगी, ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से की जाएगी। जिस दिन उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ से इसको काउंट किया जाएगा। तो ये जो आप पढ़ रहे थे यहाँ पर, ध्यान दीजिए अपीलों के बारे में, तो आप इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो 47 है इसको अब चेंज कर दिया गया, टोटल जो लिमिटेशन है वो टोटल कर दी गई है 45 डेज की सभी के लिए। तो जितने भी आपने देखा उपखंड अधिकारी की अपील किसको होगी या उनके अधीनस्थ जो अधिकारी थे उनकी अपील कितने किसको होगी, उसके बाद में जो टाइम पीरियड आएगा ना वो एक लाइन में आपका हो जाएगा 45 डेज। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कर दिया गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी अराइज किया जा सकता है जैसे कि 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा किया गया इसमें, और इसके जो एप्लीकेशन की डेट है उसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पहले सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे इसी सेक्शन से बनते थे, जनरली एक क्वेश्चन तो 100% आ ही जाता था। अब देखो यहाँ पे क्या करें, ये मध्य प्रदेश के राजपथ 12 दिनांक 12 फरवरी 2020 को वो किया गया था, और इसको राष्ट्रपति की जो अनुमति मिली हुई थी वो मिली थी 7 फरवरी 2020 को। तो इसकी थोड़ा सा ये डिटेल आपको पढ़ने। चलो अगला जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक्शन 48 पर एक नजर डालें। सर पर इसमें कोई चेंज नहीं था 47 में? 47 में मतलब जो डिटेल आप वहाँ अमेंडमेंट से पढ़ रहे थे वही पूरी इसमें भी है 2018 में? ये जो आप अभी वेयर एक्ट लगाए हैं इसमें पूरा वही लिखा हुआ है? एक सेकेंड और देख लीजिए क्या कह रहे हैं। इसमें क्या किया गया है इन्होंने, एक सेकंड रुकिए, प्रथम तथा द्वितीय अपील फाइल करने के लिए परिसीमा अपील के आदेश की तारीख से 45 दिन होगी, ठीक है। जहाँ कोई आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा रही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन होने के पूर्व किया गया वहाँ अपील परिसीमा संशोधन अधिनियम पूर्व के अनुसार की जाएगी, ठीक है। फिर क्या कहा गया, परंतु यह और कि जहाँ किसी पक्षकार को पक्षकार से भिन्न जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है उस तारीख की जिसको कि आदेश पारित किया गया था कोई पूर्व सूचना ना रही हो वहाँ पर सीमा संगठन, ठीक है वही होगी। हाँ इन्होंने सेम अपडेटेड कर दिया इसको। चलो सेक्शन 48 फिर भी आप देख लीजिए, यहाँ ये
2019 का जी अमेंडमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर 2019 से बनता है तो आपको 2019 ही वहाँ पे लिखना रहेगा। चलो सेक्शन 48 पर एक नज़र डालिए। याचिका अर्जी के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके की संबंध में आपत्ति की गई है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि याचिका यानी कि अर्जी के साथ उस आदेश की अपील भी उस आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके संबंध में आपत्ति की गई है। तो यहाँ पर देखिए एक बार, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्शन टू अ कंपनी पिटीशन, एवरी पिटीशन फॉर अपील रिव्यू और रिविजन शैल बी अकंपनीड बाय अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू विच ऑब्जेक्शन इज मेड अनलेस द प्रोडक्शन ऑफ सच कॉपी इज डिस्पेंस्ड विद। अपील पुनरावलोकन या फिर पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक याचिका अर्जी के साथ किसमें अपील में पुनर्वलोकन में पुनरीक्षण में अपील रिव्यू एंड रिवीजन उस आदेश की जिसके की संबंध में आपत्ति की गई है प्रमाणित प्रतिलिपि होगी जब तक कि ऐसी प्रतिलिपि के पेश किए जाने से अभिमुक्ति ना दे दी गई हो। ये जो अभियुक्त लिखा हुआ है ना, इसको अभिमुक्ति आप पढ़ सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई भी अपील और कुछ भी की जा रही है तो यहाँ याचिका अर्जी के साथ आदेश की प्रतिलिपि भी होगी। जो देखिए, अगर हम यहाँ पर अपील करते हैं, पुनर्वलोकन करते हैं या पुनरीक्षण करते हैं, तो जो आदेश होगा यानी कि जो मूल आदेश की अगर अपील कर रहे हैं तो मूल आदेश की कॉपी होगी, या आपने कहीं अपील की है उस प्रथम अपील की कॉपी होगी, तो वो उनकी कॉपी भी इसके साथ लगाई जाएगी सेक्शन 48 में। केवल इतना चाहिए। अगला जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 49, अपीली अधिकारी की शक्ति क्या होगी, पावर्स क्या होंगे। 49 में जरा ध्यान दीजिए, पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी कहा गया है यहाँ पर। सब सेक्शन आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अपील अधिकारी प्राधिकारी या तो अपील को ग्रहण कर सकेगा या अभिलेख मांगने और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उसे संक्षेपता नामंजूर कर सकेगा। तो देखिए यहाँ पर अपील जो अधिकारी है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपील को ग्रहण कर सकेगा और अभिलेख मांगने और अपील को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अगर उन्हें लगता है कि संक्षेपता नामंजूर उसे कर सकेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ, द अपीलेट अथॉरिटी में आइदर एडमिट टू अपील और आफ्टर कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड एंड गिविंग द अपीलेंट एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर मे समरली रिजेक्टेड, परंतु अपील प्राधिकारी उस दशा में अभिलेख मांगने के लिए आबद्ध नहीं होगा जबकि अपील समय वर्जित है या अपील नहीं हो सकती। अगर अपील नहीं हो सकती तो उस समय कोई भी अभिलेख की बात नहीं करेंगे। जहाँ लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बार्ड हो गई है, जहाँ अपील हो ही नहीं सकती, फिर वहाँ अभिलेख की बात ही नहीं होगी कि अभिलेख या कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करने की बात की जाए। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 2 पर एक नज़र डालिए। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं एक बार जल्दी से बता दो, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 49 का आपने फर्स्ट में पढ़ा और सेकेंड में उसकी पावर्स में क्या दी गई है। देखिए पावर्स को जरा ध्यान दीजिएगा, यदि अपील ग्रहण की जाती है तो सुनवाई के लिए तारीख नियत की जाएगी और प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील की जाएगी। थर्ड में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील प्राधिकारी उस आदेश की जिसके की विरुद्ध अपील की गई है पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहे हैं कि सब क्लोज नंबर 3 पर पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील प्राधिकारी जिसको अपील की गई है वो आदेश को क्या क्या कर सकता है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है उसकी पुष्टि कर सकेगा, मतलब आदेश जैसा है वैसे के वैसा ही रहने के लिए वो कर सकता है या फिर उसमें कोई फेरफार कर सकेंगे या फिर उसे चाहे तो उलट सकेगा। तो ये 3 तरह के यहाँ पॉइंट्स यहाँ देखिए बताए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और
थर्ड फिर कहा गया या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे, या थोड़ा बहुत उसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप चाहो तो इसे फोर्थ नंबर पॉइंट कर सकते हैं। अगला जरा यहाँ पे इसी में ध्यान दीजिए, परंतु बात की गई है परंतु अपील प्राधिकारी उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को मामले को निपटाने के लिए साधारणतः प्रतिप्रेषित नहीं करेगा। तो जो अपीलीय अधिकारी है वो अपने किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु यह और कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2011 के प्रवृत्त होने के पूर्व के समस्त ऐसे मामले जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारियों को प्रतिप्रेषित किए गए हैं ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा सुने तथा निश्चित किए जाएंगे। तो 2011 क्या कहा गया, 2011 जो संशोधन अधिनियम 2011 है उसके पूर्व अगर पहले किसी को ट्रांसफर किए गए तो वो वैसे ही सुने जाएंगे जैसे कि पहले चले आ रहे थे। अब सेक्शन यहाँ 50 पर जरा ध्यान दीजिएगा, पुनरीक्षण की बात की जा रही है कि जो रिवीजन होगा वो कैसे होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें थोड़ा सा एक अमेंडमेंट भी किया गया है, देख लेते हैं अमेंडमेंट में क्या है। सबसे पहले 2019 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 50 में उपधारा 3 में खंड का के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, काम में क्या दिया है, ऐसा आदेश यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो कार्रवाई का अंतिम रूप से निपटारा कर देता, या फिर तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए ये जो है इसका जो अमेंडमेंट है ये इसको अमेंडमेंट कर दिया गया 2019 के द्वारा। देखिए सेक्शन 50 में आप पढ़ रहे हैं पुनरीक्षण एंड की रिव्यू, ये कह रहे हैं सेक्शन फर्स्ट उपधारा 2, 3 और उपधारा 4 तथा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मंडल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का जो कि निश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं भी ऐसी कार्रवाइयों को जिसमें आयुक्त द्वारा संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो अभिलेख मंगा सकेगा। तो ये वाला जो है इसको क्या कर दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है और इसकी जगह न्यू एक ऐड किया गया है। जिसमें कि ऐसा आदेश यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता, किसके जो पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर रहा है करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया तो उसके फेवर में होता तो कार्रवाई का अंतिम रूप से निपटारा कर देता है। बस केवल इतना सा इसमें ऐड करना है, इसकी जगह उसको पढ़ना है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा ख नंबर पर, आयुक्त किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का जो कि निश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों का जिसमें कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो तो अभिलेख मंगा सकेगा। कौन अभिलेख मंगा सकेगा, आयुक्त, और किन किन ने ये आदेश पारित किया हो तब ये मंगा सकते हैं। देखिए कौन मंगाएगा, आयुक्त मंगाएगा। कैसे मंगाएगा, किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर। तो जनरली जहाँ पर भी देखेंगे या तो कोर्ट अपने स्वप्रेरणा से भी करते हैं और या फिर किसी पक्षकार के आवेदन पर भी करते हैं, किसी भी सिविल कार्रवाई में भी ऐसा होता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आयुक्त है जो MPLRC के संबंध में अगर हम बात करें तो आयुक्त किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा जब आवेदन किया जाए किसी ऐसे मामले का जो कि निश्चित किया जा चुका है, जिसका जजमेंट हो चुका है, निर्णय हो चुका है, और या किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों का जिनमें किस किस ने किया हुआ है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो तो क्या करेंगे, उनके अभिलेख मंगा सकेगा। कौन मंगाएगा, आयुक्त। तो किस किस के हैं, एक तो फर्स्ट कलेक्टर और दूसरा जिला सर्वेक्षण अधिकारी, और वहीं पर ये बात की गई है कि
कोई भी ऐसे मामले जिनका निश्चय हो चुका हो, ये तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पर इन अधिकारियों के अलावा भी हो सकता है कलेक्टर, जिला संरक्षण अधिकारी, या किसी भी ऐसे मामले में जिसका निश्चय किया जा चुका है, तो चाहे वो कलेक्टर ने आदेश दिया हो, तो इनके अभिलेख मंगा सकेंगे, उनके रिकॉर्ड को चेक किया जा सकता है। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे आप जल्दी से बताइए? सेक्शन 50 और फिर प्लस टू। देखिए जरा ध्यान दीजिए, ग्राफ पर नजर डालिए एक बार। कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, देखो दोनों, फर्स्ट कलेक्टर, दूसरा जिला सर्वेक्षण अधिकारी, किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का जो कि निश्चित किया जा चुका हो, या किन्हीं ऐसी कार्रवाई का जिनमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया गया हो, अभिलेख मंगा सकेगा। तो देखो वहाँ कौन मंगा रहा था, खाम में आयुक्त, और यहाँ कौन मंगा रहा है, कलेक्टर। तो कलेक्टर किसे किसके अगर उसके मंगा सकता है यहाँ पर, तो जो उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया हो, तो उनके अभिलेख मंगा सकता है। कैसे मंगा सकता है, मैटर वही है, कौन कौन मंगा सकता है, या तो कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी। कब मंगा सकता है, मंगाने के लिए कहा गया, या तो वो स्वयं प्रेरणा से या फिर किसी पक्षकार के आवेदन किए जाने पर। और यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित ना की गई हो, या इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा हो, या अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण प्रयोग किया है, या सार्वान अनियमितता की है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो मंडल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा हुआ है उचित समझे। अगर किसी भी राजस्व अधिकारी ने ये अनियमितताएँ की हैं, देखो तीन प्रकार की जो अनियमितताएँ दी गई थी यहाँ पर, एक ये फर्स्ट, सेकंड, जैसे उसने कोई अधिकारता, ध्यान दीजिएगा, ऐसी अधिकारता का प्रयोग किया है जो संहिता में उसमें निहित ना की गई, उसे संहिता द्वारा दी नहीं गई है, फिर भी उसने कोई आदेश कर दिया है, या इस प्रकार सेकेंड में दिया गया, इस प्रकार अधिकारता का प्रयोग करने में कोई असफल रहा है, या फिर अपनी अधिकारता का अविधिपूर्ण प्रयोग किया है, या सार्वान अनियमितता की है, तो यहाँ पर मंडल, आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी इनमें से कोई भी ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा हुआ है उचित समझे, जो इनके मैटर को देख रहा हो। सब क्लोज टू पर एक नज़र डालिए। यहाँ पर पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन नंबर का, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सभी जगह काम आएगा आपको। सेक्शन जो 50 आप पढ़ रहे हैं, ये इस संहिता के अधीन अपील ने किसी आदेश के विरुद्ध, इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध का, पुनरीक्षण में पारित किसी आदेश के विरुद्ध घा, धारा 210 के अधीन आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध, ठीक, जब तक कि आदेश की तारीख से या फिर पक्षकार को इसकी सूचना की तारीख से 45 दिन जो भी पश्चात का हो, भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस किए गए हैं कि अपील के लिए जो पुनरीक्षण के लिए जो आवेदन है वो कब नहीं दिए जाएंगे। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहीं पर, परंतु जहाँ किसी आदेश जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, तो पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा अवधि उक्त संशोधन अधिनियम की पूर्व संहिता में उपबंधित के अनुसार की जाएगी। 2018 के बाद अगर किया जा रहा है, तो 2018 के बाद में जो लिमिटेशन एक्ट लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग, लिमिटेशन जो है उसके अकॉर्डिंग होगी, और 2018 के पहले किया गया तो जो पहले थी उसी के अनुसार सुनवाई की जाएगी। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सब क्लोज नंबर 3 पर एक नज़र डालते हैं। मंडल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, तो यहाँ पर देखिए जो पहले बात की गई, मंडल, आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश या कार्रवाई के अनुक्रम में किसी विवादक या निश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, जहाँ सिवाय जहाँ की किन कंडीशनों में उलट सकते हैं और किन में नहीं। तो देखिए जरा यहाँ पे एक बार इसको दोबारा से पढ़ लीजिए थोड़ा सा।
आप पढ़ रहे हैं सब क्लोज नंबर थ्री, सेक्शन 50 सब क्लोज नंबर थ्री, क्या कहा गया? मंडल आयुक्त या फिर कलेक्टर या फिर जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश या कार्रवाई के अनुक्रम में किसी विवादक या विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा। तो कहा गया कि आदेश या कार्रवाई के अनुक्रम में किसी विवादक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उल्टेगा। कब तक? जब तक कि इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा आदेश यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो तो कार्रवाइयों का अंतिम रूप से निपटारा करता हो, या फिर था ऐसा आदेश यदि प्रवृत्त बना रहता है तो न्याय की विफलता का कारण बनेगा या उस पक्षकार को जिसके की विरुद्ध यह किया गया था अपूर्णीय क्षति कारित करेगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, काम में कहा गया कि यदि ऐसा आदेश, रिपीट करूँ तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा आदेश यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया, जिसने पुनरीक्षण किया है के लिए आवेदन किया उसी के फेवर में किया है, तो क्या हो जाएगा? कार्रवाई का अंतिम रूप से निपटारा करता हो, ठीक है। और खा में क्या कहा गया, ऐसा आदेश यदि प्रवृत्त बना रहता है तो न्याय की विफलता का कारण बनेगा या उस पक्षकार को जिसके की विरुद्ध यह किया गया था अपूर्णीय क्षति कारित करेगा। इन दोनों ही कंडीशन में, जो दो ये कंडीशन हमने पढ़ी है, तो इन कंडीशनों में इनको क्या कर सकते हैं, ये फेरफार भी कर सकेंगे और उसे उलट भी सकते हैं। कौन उलट सकता है यहाँ पर देखिए जरा, तीन ये चार लोगों की बात की गई है, कौन कौन से हैं ये ध्यान दीजिए, कौन कौन से? मंडल आयुक्त, कलेक्टर या फिर जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इनमें से कोई भी है वो यहाँ पर ऐसे कर सकेंगे आवेदन और ये इनको उलट सकेंगे। अगला जगह यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लोज नंबर फोर पर एक नज़र डालिए। पुनरीक्षण का प्रभाव राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी कार्रवाई को स्थगित करने वाला नहीं होगा, सिवाय कब कब हो सकता है? कहा गया कि पुनरीक्षण का जो प्रभाव है वो राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी कार्रवाई को स्थगित करने वाला नहीं होगा। कब नहीं होगा? सिवाय सिवाय जहाँ की ऐसी कार्रवाई यथास्थिति मंडल आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा स्थगित की गई हो। अगर मंडल के द्वारा, आयुक्त के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा अगर स्थगित कर दी है तो ही उसे स्थगित किया माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो देखिए यहाँ फोटो में आप पढ़ रहे थे कि पुनरीक्षण का जो प्रभाव है वो राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी कार्रवाई को स्थगित करने वाला नहीं है। कब तक? जब तक कोई मंडल आदेश ना कर दे, आयुक्त ना कर दे या फिर या कलेक्टर ना कर दे या जिला सर्वेक्षण अधिकारी ना कर दे। सब क्लोज नंबर फाइव पर एक नज़र डालिए जल्दी से। कहा गया कि किसी भी ऐसे आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि हितवत पक्षकार पर सूचना की तामील ना कर दी गई हो। तो जो उसमें जो पक्षकार हैं दोनों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो और उसे सुनवाई का अवसर ना दे दिया गया, तो उसे सूचना दी जाए और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए तभी किसी पुनरीक्षण में किसी आदेश में कोई भी फेरफार करना या उसे उलटना तभी संभव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्या करना चाहिए? हितवत पक्षकार को सूचना की तामील ना कर दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर ना दे दिया गया तब तक इसमें क्या नहीं हो सकता, ना तो इसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं ना ही इसे उल्टा जाएगा। स्पष्टीकरण पर एक नज़र डालिए। इस धारा के प्रयोजन के लिए समस्त राजस्व अधिकारी मंडल के अधीनस्थ समझे जाएंगे। ये जो धारा है जितने भी अधिकारी हैं राजस्व अधिकारी वो किसके अधीनस्थ समझे जाएंगे? मंडल के अधीनस्थ समझे जाएंगे सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग, जहां पर पुनरीक्षण की बात की गई हो। क्लियर है गाइस? जितना जल्दी से बताओ। यस सर। हेलो, ठीक है, चलो तो फिर हम इसे अभी यहां पर स्टॉप कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम यहां पर सेक्शन 51 से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? प्लीज़ बताइए जल्दी से। नो सर।